राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन, सो तेरो अधीन, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव
श्याम बनवारे गिरिधारी श्याम बनवारे मेरो राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारे Krishna Hari Ram
राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे गाइए प्रेम से राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महा धन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटारी यटार जग की हमको कुटिया ब्रिज माही बना दे 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 टूक मिले रसिकों की सदा और पी बन को य
यमुना जल पानी टोक मिले रसिकों की सदा और पी बन को यमुना जल पानी हमें योरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी अमरी ठकुरानी श्री राधिका रानी अपनी 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 श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा संकीर्तन की ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय हो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रज बधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमा पुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशे विभो शितकरा नवनीरदाबा पीतांबर दरुण बिंबपल दरोष्ठा पूरणेन्दु सुंदर मुखा
अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन् वटस्य पत्र शपुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि अग्रे करुणा मथ पांडवाना दुशासनेना हतवस्त्रकेशा कृष्णा तदाक्रो शदनन्य नाता गोविंद दामो धर्माधवेति गृहे गृहे गोप वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययो पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामो धर्माधवे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदे जिहवे पिबत्स्वा अमृतमेत देव गोविंद दामो धर्माध ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण लाल की श्री गोवर्धन नाथ की
उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले श्री मंगल मंदिर एवं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक उपकरण इंटरनेट आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। श्रीमद् भागवत श्री जन्माष्टमी के उपलक्ष में कृष्ण जन्म लीला एवं बाल लीला, ये फैन स्लो है और जितना हो सके उतना दूर कर दीजिएगा। आज हम सबका परम सौभाग्य है इस कथा का श्रवण करने के लिए लास वेगस से अत्रि ऋषि प्रभु और जगन्नाथ प्रिय माता जी आए हैं। और साथ ही साथ कतारगाम भी आ गया है। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और उस यज्ञ में दुनिया के सभी राजा महाराजा, रति अतिरथी महारथी, यहाँ तक मनुष्य का रूप धारण करके समस्त देवी देवता उपस्थित हुए। पूरी राजसभा भरी हुई थी और उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने बगल में बाजू में बैठे हुए नारद मुनि को एक प्रश्न पूछा। श्री युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से कहते हैं कि महाराज, आपके द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत की, आपके द्वारा ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम की बहुत बहुत महिमा बताई गई। महामुनि, आपने यहां तक कह दिया कि जो सन्यास लेता है वही भगवान को प्राप्त करता है। तब मेरे मन में जिज्ञासा हो रही है कि सन्यास लेने वाला ही यदि भगवान को प्राप्त करेगा तो क्या हम सब गृहस्थी ऐसे ही रह जाएंगे? महाराज, हम गृहस्थियों के लिए कुछ बताइए। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर है, वास्तव में यह प्रश्न मुझे ऐसा लगता है युधिष्ठिर महाराज के लिए नहीं, हम लोगों के लिए है। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद 14वां अध्याय प्रथम श्लोक
श्री युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एताम पदवीम विधिना येन चांजसा याति देव ऋषे ब्रूहि मादृशो गृह मुड्डधि। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे नारद मुनि, गृहस्थ एताम पदवीम, हम लोग गृहस्थ हैं और हम लोग गृहस्थ की पदवी में, गृहस्थ में पूर्ण रूप से आसक्त है। हम लोग गृहस्थियों के कर्तव्यों में फंसे हुए हैं, तो ऐसे गृहस्थियों को एताम पदवीम, आपने जो वैकुंठ की पदवी, मुक्ति की पदवी का जो वर्णन किया, कोई गृहस्थ मुक्ति को प्राप्त करे विधि ना, ऐसी कोई विधि बता दीजिए। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने क्या कहा, आप मात्र विधि बताइए, फॉलो मैं करूंगा। आज का बंदा होता तो कहता, महाराज एक मंत्र मार के फल दे दीजिए तो मेरा काम बन जाए, या मेरी पीठ पर हाथ घुमा दीजिए तो मेरा काम बन जाए, या मेरे सर पर हाथ रख दीजिए मेरा काम बन जाए। कई बार कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं, महाराज सर पर हाथ रख दीजिए, तेल वाला करके क्यों बिगाड़ रहा है यार, ये हाथ बात रखने से कुछ नहीं मिलता है। गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करीह एक्य। कोई साधु संत महात्मा या गुरु अपने शिष्य को या अपने आश्रित को एक और मात्र एक वाणी से ही सपोर्ट कर सकता है। गुरुदेव के मुख से निकले हुए वाक्य ही चित्त को पवित्र करते हैं और जीवन को समृद्ध बना देते हैं। अतः विधि बताइए। तो गृहस्थ में रहकर ईश्वर को प्राप्त कर सके, हे नारद मुनि विधि बता दीजिए। इतना समझ में आ गया, ये प्रश्न है। लेकिन आगे क्या कहते हैं, स्पेशल हम मेरीलैंड वालों के लिए क्या कहते हैं, गृहस्थ एताम पदवीम विधिना, विधि तो बताइए लेकिन कैसी, च अंजसा, आसान विधि बताइए, सिंपल विधि। आप कुछ ऐसा बता देंगे कि भाई गृहस्थ को चाहिए हिमालय में जाकर एक पांव में खड़े रहकर तपस्या करे, तो महाराज हम मैरीलैंड वालों के लिए तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि गृहस्थ आधा तो ऐसे ही मर जाता है काम धंधा बिजनेस करके, वो तप क्या कर सकता है, वो मेहनत नहीं कर सकता। तो विधि बताइए, लेकिन विधि कैसी, च अंजसा, कोई सरल विधि बताइए, ऐसी विधि कि कोई बालक भी इसे कर सके, जवान भी कर सके या कोई बूढ़ा भी कर सके। विधि ना येन चांजसा याति देव ऋषे ब्रूहि, हे देव ऋषि, मनो नारद मुनि कहे कि मैं तुम्हें ये सब कैसे बता सकता हूं। तब युधिष्ठिर ने कहा, आप तो देवताओं के ऋषि हैं, हम मनुष्य के तो ऋषि हैं लेकिन आप देवताओं के ऋषि, इसलिए नारद को देवऋषि कहा गया। याति देव ऋषे ब्रूहि मादृशो गृह मुड्ढधि, मेरे जैसे गृह मुड्ढधि, मेरे जैसे घर गृहस्थी में फंसा हुआ अटैच्ड आसक्त आदमी गृहस्थी में ही रहकर ईश्वर को प्राप्त कर सके, ऐसा कोई विधि विधान बता दीजिए। युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज अपने आप को क्या कह रहे हैं, गृह मुड्ढधि, अर्थात जिसकी बुद्धि गृहस्थी में फंसी हुई है। एक संत ने इसका बहुत सुंदर अर्थ किया, आप मेरे पीछे बोलोगे तो मैं बताऊं, मैं गुजराती में बोलू कि हिंदी में, आम गुजराती में थोड़ा वधारे मजा आवशे, गुजराती में जवा दो। हाँ, तो गृह मुड्ढधि, गृहस्थी में फंस, देखिए ये सब श्लोक भागवत के हैं
लेकिन उसे समझाने के लिए धरातल पर आना पड़ता है ताकि आप लोग समझ सको। तो गृह मुड्ढधि का अर्थ क्या है? एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा गुजराती में, इसे टून में हम बोलेंगे थोड़ा सुर में है भाव से, पैसो मारो परमेश्वर, बोलिए, बैरी मारी गुरु, बोलो ने छे तो पछी बोलो हम शू वांधो छे, पैसा परमेश्वरी है और बीबी गुरु है तो फिर बोल दीजिए, फिर से हिंदी में, पैसा मेरा परमेश्वर, बीबी मेरी गुरु, बच्चे बच्चे शालीग्राम, फिर सेवा किसकी करूं, भले शास्त्र भागवत गीता रामायण कहे कि आप सेवा करो भजन करो, तो जो गृह मुड्ढधि में फंसा हुआ आदमी है वो कहता है पैसा ही मेरा परमेश्वर है, बीबी मेरी गुरु और बच्चे बच्चे शालिग्राम, अब सेवा भजन भक्ति किसकी करूं, इसे कहते हैं गृह मुड्ढधि। ईश्वर भाई तुम्हें चुकी क्या है ना? फिर सेवा किसकी करूं, इसे कहते हैं घर गृहस्थी में फंसा हुआ आदमी। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत के दूसरे स्कंद में बड़े दुखी होकर कहा, निद्रया हयते नक्तम व्यवाये न च वावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। दिन काम धंधे में बीत जाता है और रात सोने में बीत जाती है, जीवन के दिन रात व्यर्थ ही बीत जाते हैं। और कहते हैं तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन अपि न पश्यति, अपनी घर गृहस्थी में उलझा हुआ आदमी, दिन महीने और साल कब बीत जाती है ये समझ में नहीं आता, मस्तक पर मौत मंडराने लगती है, लेकिन उस समय भी घर गृहस्थी की आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकता, इसे कहते हैं गृह मुड्ढधि। यद्यपि युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं है, परंतु जब कोई शिष्य अपने गुरु को कुछ जिज्ञासा करते हैं तो अपने आप को मूर्ख बताते हैं कि मेरे जैसे मूर्ख को आप उपदेश दीजिए। युधिष्ठिर महाराज के बगल में कृष्ण बैठे थे, जब युधिष्ठिर नारद मुनि को पूछ रहे थे कि हम गृहस्थियों के लिए कोई उपाय बताइए, तो कृष्ण भी नाटकबाज तो है ही, वो भी दोनों हाथ जोड़कर, हाँ महाराज इसकी तो एक पत्नी है, मेरी 16,000 पत्नी है, मैं तो बहुत बड़ी गृहस्थी की जंजाल में फंसा हुआ हूँ, बता दीजिए महाराज। तो नारद मुनि को गृहस्थियों के लिए धर्म कर्तव्य बताने के लिए कहा। वैसे उपदेश तो लंबा है, मुझे जो आपको आज बताना है, नारद जी ने कहा गृहेषु वस्थितो राजन कुर्वन क्रिया यथोचिता वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि है। हे युधिष्ठिर, गृहस्थियों को चाहिए कि गृहस्थी में ही रहे और अपने कर्तव्य करें, और साथ ही साथ जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी अर्जन करते हैं अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य से, वो अर्जन करने के बाद सबसे पहले भगवान को अर्पण करें। नारायणेति समर्पयेतत, और साथ ही साथ
उपासित महामुनि गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा उपदेश है, वे महामुनियों की संगति करें, क्योंकि गृहस्थों में माया का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसलिए समय समय पर यदि महात्माओं की संगति न की जाए तो आदमी गृहस्थ रूपी दल दल में खो जाता है, फंस जाता है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए समय समय पर महात्माओं की संगति करें। यदि कोई गृहस्थ समय समय पर महात्माओं की संगति करता है तो गृहस्थी में होने वाले सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं भक्तों, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गृहस्थों के लिए क्या है, उपासित महामुनि महामुनियों की संगति करें। चाहे महामुनियों के पास जाए या महामुनियों को अपने घर पर बुलाए, कुल मिलाकर गृहस्थ को चाहिए महामुनि अर्थात साधु संत महात्माओं की संगति करें। तो प्रश्न होता है संगति करके क्या करें, क्योंकि एक मच्छर भी महात्मा की संगति करता है लेकिन महात्मा का खून पी जाता है। संगति कैसी, जब कोई गृहस्थ महात्मा के पास जाए या महात्मा गृहस्थ के पास आए तो क्या करना चाहिए। नारद मुनि ने कहा कि एक ही काम करना चाहिए और वो है शुणवन भगवतो भिक्षणम। जब भी गृहस्थ को महात्मा मिले तो एक और मात्र एक शुणवन उस महात्मा के मुख से उपदेश सुनने चाहिए। महात्माओं को खोजो, महात्माओं को बुलाओ और महात्माओं के मुख से कुछ सुनने की कामना रखो। हमारा तो क्या है ना, एक तो महात्मा घर पर आते नहीं है और आ गए तो हम हमारी कथा शुरू करते हैं, ये हमारा घर है, बगल में हमारा घर है, इतनी ऑफिस है, ये है वो है, तब तक तो महात्मा के जाने का समय हो जाता है। शुणवन महात्मा के मुख से सुने। युधिष्ठिर ने यह भी पूछा क्या सुने, तो कहते हैं भगवतो, भगवान के बारे में सुने। बोले भगवान के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें क्या सुने। तब नारद मुनि ने अंत में कह दिया शुणवन भगवतो भिक्षणम अवतार कथा अमृतम। महात्माओं के पास जाकर या महात्माओं को अपने घर पर बुलाकर अवतार कथा अमृतम, अमृत समान भगवान कृष्ण के अवतार की कथा सुने। बहुत सुनने लायक तो बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, लेकिन सुनने में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है कृष्ण के बारे में सुने। अवतार के बारे में इसमें दो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में एक शब्द कहा अभिक्षणम, शुणवन भगवतो भिक्षणम। अभिक्षणम का अर्थ होता है बारंबार। कोई कह सकता है कि भाई हमने तो एक कथा सुन ली है, तब नारद जी कहते हैं यदि एक बार सुनी है तो दूसरी बार 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 सुने। कई बार हम कहते हैं ना, भक्त लोग निमंत्रित करते हैं, मंगल मंदिर में बहुत अच्छी कथा हो रही है आप आइए, तो कुछ लोग कहते हैं हमने तो कथा सुन ली है। उसको कहना चाहिए कल दोपहर को आपने खा भी लिया है तो आज क्यों खा रहे हैं, है ना, खाना पड़ता है ना। तो जैसे भोजन करने से शरीर को पोषण मिलता है, वैसे भागवत आदि कथा सुनने से आत्मा को पोषण मिलता है। आत्मा का आहार है कथा। तो बारंबार कथा सुने। तो प्रश्न हो सकता है कि भाई इस संसार में कोई भी चीज आप बारंबार करोगे ना तो उस वस्तु के प्रति अरुचि हो जाती है। आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है और आपको भूख भी लगी है और रसगुल्ला मिल भी जाए तो कितना खाओगे, 2 खाओगे, 20 खाओगे, 40 खाओगे, 80 खाओगे, फिर रसगुल्ला को देखोगे तो वॉमिट हो जाएगी,
है ना, कोई भी चीज़ है, कोई फिल्म का गाना आपको अच्छा लगता है, एक बार सुना, दो बार, 25 बार 50 बार, फिर वो ठीक नहीं लगता है। संसार की कोई भी वस्तु बारंबार करते हो तो उसके प्रति अरुचि हो जाती है। तो यहां पर नारद जी कहते हैं अभीक्षणम, कृष्ण के अवतार की कथा बारंबार सुनो। तो प्रश्न हो सकता है बारंबार सुनने से अरुचि नहीं हो जाएगी? तब नारद मुनि कहते हैं अवतार कथा अमृतम, ये कृष्ण के अवतार की जो कथा है ये अमृत के समान है। अमृत माने न अमृत, अमृत माने जिनमें से रुचि कभी कम न हो, रुचि खत्म न हो। भगवत कथा में यदि बात जितनी बार सुनते हैं उतनी बार रुचि और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। यचुणोताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, जितना सुनोगे उतना आनंद बढ़ते जाएगा। हमारे गुरु महाराज दृष्टांत देते हैं, जब बालक का जन्म होता है ना तो वो माँ का दूध नहीं पीता है, फिर उस बालक को जबरदस्ती माँ का दूध पिलाया जाता है और एक बार टेस्ट लग गया फिर वह दूध छोड़ता नहीं है। कथा का भी इसी प्रकार से है, सुनने वाले सुनते नहीं है लेकिन एक बार दो बार तीन बार जब सुनना शुरू कर दिया फिर कथा को छोड़ नहीं सकते हैं। कथा जीवन बन जाती है, अरे कथा सांस बन जाती है। तो नारद मुनि ने हम गृहस्थियों के लिए निवेदन किया, गृहस्थी में रहकर ईश्वर को प्राप्त करना है तो महात्माओं की संगति करें और उनके मुख से और कुछ न सुनकर एक और मात्र एक कृष्ण कथा सुने। आज हम सब, हालांकि मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं तो आपके ही जैसा एक साधारण आदमी हूं, लेकिन हां मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये प्रत्येक शब्द बहुत बड़े बड़े महात्माओं के हैं। इसलिए अल्टीमेटली हम सब मिलकर महात्माओं की संगति कर रहे हैं। गत सत्र में हम सब ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव और नंद उत्सव के विषय में सुना। पिछले लगातार 4 दिन तक कृष्ण के जन्म की कथा चली और अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान। जिस दिन से नंद नंदन का जन्म ब्रज में हुआ है उस दिन से ब्रज उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ हो चुका है, ब्रज में सारी समृद्धि आ चुकी है। तो भगवान कृष्ण का जन्म ब्रज में हुआ। सुखदेव जी कहते हैं उस समय गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः करं दातुं कुरुद्वः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, नंद बाबा ने नंद उत्सव मनाया, बहुत सुंदर उत्सव हुआ और उत्सव के दूसरे ही दिन सोचा, जैसे मैंने कल कहा था, मेरे से गलती हो गई, मैं कल ये कहा था कि हर महीने नंद आदि गोपों को टैक्स भरना पड़ता था, है ना, लेकिन हर महीने नहीं हर वर्ष में, ये वार्षिक टैक्स था, ऐसा श्लोक में लिखा। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम, तो टैक्स तो हर साल में ही एक बार होता है ना, हर महीने होता तो आदमी मर जाता, तो वार्षिक ईयरली टैक्स पे करने का समय आ चुका था।
नंद महाराज ने सोचा कि समय से टैक्स नहीं भरेंगे तो कंस के अनुचर आएंगे और उसे पता चलेगा कि बालक का जन्म हुआ है तो न जाने आगे चलकर क्या होगा। इसलिए गोपान गोकुल रक्षायाम, ये सारे गोप गोकुल की रक्षा करने के लिए निरूपय मथुरामगत मथुरा में चले गए। कल मैंने कहा था, फिर से मैं आपको याद कराऊं, गोपान गोकुल रक्षायाम, ये सारे गोप गोकुल की रक्षा करने के लिए कंस के पास टैक्स भरने चले गए। गोकुल का अर्थ वो ब्रज गोकुल ही नहीं, हमारे शरीर को भी गोकुल कहा गया है। गो माने इंद्रिया, कुल माने समूह, इंद्रियों के समूह को भी गोकुल कहते हैं। अपने शरीर की रक्षा करने के लिए भी ईयरली टैक्स पे कर देना चाहिए, ऐसा भागवत हमें सिखाता है। तो नंद बाबा समस्त गोपों को लेकर ब्रज में गए, ब्रज से मथुरा गए। बहुत सारे छकड़ों में दूध दही छाछ आदि बड़े बड़े मटके भर भर के मथुरा पहुंचे, कंस को ये सारा टैक्स प्रदान किए। नंद ने सोचा कि अब मथुरा आया ही हूं तो मेरे मित्र वसुदेव जी से मिलकर जाऊं। दूसरी ओर वसुदेव जी ने सोचा कि नंद बाबा मथुरा में आए हैं तो मुझे मिले बिना जा नहीं सकते, और नंद बाबा मेरे घर पर मुझे मिलने के लिए आएंगे तो कंस के अनुचर यहां वहां घूम रहे हैं, और नंद जी मेरे घर पर आएंगे तो कंस के अनुचर को पता चल जाएगा कि मेरा बेटा नंद के घर पर है। तो नंद महाराज मेरे घर पर आए उसके पहले मैं ही वेश बदल कर नंद महाराज के पास चला जाऊं ताकि किसी को पता न चले। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वसुदेव जी स्वयं अपनी पत्नी देवकी को भी नहीं बताए और स्वयं वेश बदल कर नंद महाराज को मिलने चले गए। किसी ने कहा पत्नी को तो लेकर जाते, वसुदेव जी ने सोचा कि स्त्रियों के पेट में बात टिकती नहीं है, बेचारी स्त्रियों का कोई दोष नहीं लेकिन निखालस हृदय होता है, कहती भी है, सखी एक सीक्रेट बात कहता हूं किसी को कहना मत, तने एक बात कहो, कोई ने कहती नहीं, कोई ने नहीं कहती, कोई ने नहीं कहती, कहता हजारों ने कही देश है, स्त्रियों का ही स्वभाव, और उसमें स्त्रियों का भी कोई दोष नहीं। जिस दिन से युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया है उस दिन से स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं टिकती। और देवी कुंती के प्रसंग में फिर कभी सुनेंगे, लेकिन नहीं लेकर गए और वेश बदल कर वसुदेव जी नंद महाराज के पास आए। नंद और वसुदेव जी का मिलन भागवत के एक अध्याय में दोनों के चर्चा की कथा है, लेकिन उसमें जाऊंगा तो फिर आज पूतना नहीं मरेगी, और मधुसूदन प्रभु ने कहा है कि मार देना है आज। आज भोजन दोपहर को भोजन कर रहे थे तो मुझे डबल भोजन कराया, बोले प्रभु लो लो आज पूतना को मारना है, और मुझे तो 9 बजे पहले मारना है क्योंकि 9 बजे आनंद भाई चले जाएंगे, फिर क्या खाक पूतना मरेगी बिना तबला के, तो तुम्हें पूतना ने मेरा वगैरह जता नहीं। तो मारे तो हम बधु संभाळवू पड़े ने, अहीं तबला संभाळवा, अहीं तमने संभाळवा, तो क्या कह रहा था, हाँ, नंद और वसुदेव जी का मिलन हुआ है। दोनों के बीच में बहुत सुंदर चर्चा हुई, संक्षिप्त में सुनिए। वसुदेव जी ने सीधा सीधा नहीं कहा क्योंकि नंद महाराज को पता नहीं था कि उनके घर पर मेरा बेटा है, इसलिए वसुदेव जी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि बाबा आपकी गैया सब ठीक से तो है ना, बाबा आपकी गैया ठीक से भोजन तो करती है ना,
बाबा आपके गोकुल में गायों के लिए ठीक से चारा तो है ना? बाबा आपकी गैया ठीक से दूध तो देती है ना? ये सारे प्रश्न केवल कृष्ण के लिए थे। बोले गैया ठीक होगी, भोजन ठीक होगा और गैया दूध ठीक से देती होगी तो दूध दही माखन ठीक से बनता होगा और मेरा बेटा ठीक से खा पीता होगा। कितने परवश है कि सीधा पूछ भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से चर्चा हुई और नंद जी ने बात करते करते कहा कि आज इच्छा है कि आज के दिन यहीं रुक जाऊं, मैं कल सुबह मथुरा से गोकुल वापस जाऊंगा। इतना सुनते ही वसुदेव जी ने कहा, नहीं बाबा, आप आज और अभी यहां से निकल जाइए। बोले क्यों? मुझे मेरी दाई आंख फड़क रही है और न जाने मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कुछ उत्पात हो रहे हैं। मेरे हृदय में धकधकी हो रही है कि निश्चित गोकुल में कुछ गड़बड़ हो रही है। बाबा आप अभी यहां से निकल जाइए। इतना सुनते ही नंद कैसे रह सकते थे। नंद जी ने अपने सभी गोपों को जगाया और कहा कि अभी हमें चलना है। बेलों को गाड़ियों से जोड़ा और नंद आदि गोप सब लोग मथुरा से गोकुल निकल गए। अंधेरी रात है, नंद बाबा बैलगाड़ी में बैठे हैं, कभी जबकि आ रही है, कभी नींद उड़ रही है, बड़ी चिंता है। तो मथुरा से गोकुल की ओर नंद बाबा जा रहे हैं और मन ही मन में चिंता कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी भागवत के दशम स्कंद के छठे अध्याय में इस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री शुक उवाच नंद पथि वच शोरे न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उत्पातागम शंकित उत्पातागम शंकित। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंद पथि, नंद महाराज कहां पर है? पथि माने पथ पर है, मार्ग में है, मथुरा से गोकुल के मार्ग में है। वचह शोरे, शोरे माने शूरसेन के पुत्र वसुदेव के वचन को स्मरण करते हुए चिंता कर रहे हैं। विचिंतयन, विशेष रूप से चिंता हो रही है। अब चिंता क्यों नहीं होती? इस संसार में हमारे बालक जो पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, फिर भी उस बालक के लिए हम कितनी चिंता करते हैं। ये तो साक्षात भगवान थे, परब्रह्म। और नंद बाबा सोच रहे हैं कि वसुदेव के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। शोरे वचह न मृषेति इति विचिंतयन। सुखदेव जी कहते हैं नंद बाबा क्या सोच रहे हैं कि शूरसेन के पुत्र वसुदेव के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, क्योंकि बात भी सत्य है। जिस समय वसुदेव जी का जन्म हुआ उस समय आकाश में देवता प्रकट हुए और आकाशवाणी की थी कि यह बालक जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा। देवताओं ने दुंदुभिया बजाई थी, इसलिए इनका एक नाम हुआ आनक दुंदुभे। तो वसुदेव के वचन मिथ्या नहीं हो सकते। और वसुदेव ने कहा कि गोकुल में उत्पात हो रहा है तो निश्चित कुछ ना कुछ उत्पात हो रहा होगा। मेरे लाला का क्या हुआ होगा, क्या उत्पात हो रहा होगा? नंद बाबा मन में चिंता कर रहे हैं। भक्तों, चिंता इस संसार में किसके जीवन में नहीं है? हम सबके जीवन में चिंता है। किसी को अपनी चिंता है, किसी को अपने परिवार की चिंता है, किसी को अपने बिजनेस की चिंता है, सबको चिंता है। और इस कलयुग में, वर्तमान के इस युग में 99% रोग चिंता से हो रहे हैं। एक कवि ने कहा कि चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं,
केवल अनुस्वार का भेद है, परंतु तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए तो चिंता चिता अपि गरीयसी, चिंता जो है ना वो चिता से अधिक जलाती है, क्योंकि चिता मरे हुए आदमी को जलाती है और चिंता जीते जी आदमी को रात दिन जलाती है, रात दिन मारती है। हम सबको मानो या न मानो हम सबको कुछ ना कुछ चिंता है, और वहां नंद बाबा को भी चिंता है, लेकिन शास्त्र हमें सिखाते हैं, नंद जैसे भक्त हमें सिखाते हैं कि जब हमारे जीवन में चिंता आए तो हमें क्या करना चाहिए। नंद बाबा के जीवन में जब चिंता आई तो उन्होंने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंद पति वच शोरे न मृषेति विचिंतयन। जब बहुत चिंता होने लगी तो नंद जी ने क्या किया, हरिम जगाम शरणम। नंद बाबा मन ही मन हरिम शरणम, हरि की शरण में चले गए। जीवन की चिंताओं से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो हरि की शरण ग्रहण कीजिएगा। हमारा क्या है ना, चिंता तो है लेकिन चिंता से मुक्त होने के लिए संसार के साधारण लोगों की शरण में जाते हैं या ज्यादा से ज्यादा देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन भक्तों, चाहे देवी देवता हो चाहे संसार के साधारण लोग हो, ये सब लोग चिंता में हैं, और ऐसे लोगों के पास जाकर चिंता घटेगी नहीं, चिंता और बढ़ेगी। सूफी ने बहुत सुंदर शेर लिखा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, जहां देखो उनका दामन भीगा लगेगा, जहां देखो उनका दामन भीगा लगेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा। दिल में दुख है, आंखों में आंसू है, इस संसार में जिस किसी के भी पास गए सब लोग रो रहे हैं, कौन हमको शांत कर सकता है। चाहे राजा हो या रंक, चाहे झोंपड़ी में रहता हो या करोड़ों की इमारत में रहता हो, यहां तो सब लोग रो रहे हैं। वो प्रसिद्ध कहावत मैं आपको अक्सर कहा करता हूं, दिल्ली के दरबार में एक भिक्षुक पहुंचा सीधे राजा के कक्ष में, और उस समय राजा जहां पनाह नमाज पढ़ रहे थे। राजा को देखकर वह भिक्षुक वापस लौट गया। राजा जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर भिक्षुक को खोजने निकले, भिक्षुक को पकड़ा और कहा कि खाली हाथ जा रहे हो, कुछ तो मांगो। उस भिक्षुक ने इतना ही कहा, राजन मैं तो बहुत बड़ी आशा लेकर आया था, मैं तो बहुत कुछ मांगने के लिए आया था, लेकिन जब आपके कमरे में आया तब पता चला कि मैं तो भिखारी हूं आप भी भिखारी हैं, और एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या मांगेगा, और मैं तो छोटा भिखारी हूं, मैं तो एक हाथ से मांगता हूं, आप मेरे से बड़े भिखारी, क्योंकि आप तो दो दो हाथ से मांग रहे थे नमाज पढ़ते समय। राजा हो या रंक, यहां तो सब भिखारी। इसलिए यदि मांगना ही है तो हरि से मांगिए। आप कहोगे ये हरि कौन है, मुझे ये मंगल मंदिर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहां पर तीन विग्रह है, ये भागवत के अनुसार मैं भागवत से सिद्ध करूं, मुझे एक दिन ये लोग बुलाएंगे ना, मैं एक विशेष प्रवचन करूंगा ये तीन विग्रह के ऊपर। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया, नारायण कला शांता भजंती ही अनसूय वह, भजन करने लायक केवल तीन ही भगवान है और वह है कृष्ण विष्णु और राम जो यहां विराजमान है, यही भगवान है, इन्हीं की उपासना इन्हीं की ही भक्ति हो सकती है, बाकी सबकी पूजा करे बाकी सबकी आराधना हो सकती है, लेकिन प्रेम भक्ति भजन तो इसी रूप का संभव है।
तो हरि शब्द हरि की शरण में जाए। हरि माने राम कहो, कृष्ण कहो या विष्णु कहो, इसे हरि कहते हैं। और हरि की शरण में जाने से हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, ये छोटे छोटे बच्चे आप देखते ना, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं तो कितना आनंद होता है। उन बच्चों को कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। बच्चों को भोजन नहीं भी करना है तो माँ जबरदस्ती कराती है, कपड़े नहीं पहनना है तो पिताजी जबरदस्ती पहनाते हैं, कोई चिंता है बच्चों को? ईश्वर यदि प्रकट हो और अनुग्रह करे तो मैं तो यही मांगूंगा, फिर से बच्चा बना दीजिए। ब्रह्मा के प्रथम पुत्रों ने यही मांगा ना, सनत कुमारों ने क्या कहा कि प्रभु बच्चा बना दीजिए, और बच्चे ही बने रहे। और मैं तो कहता हूं कोई बात नहीं, शरीर से बच्चे नहीं है, कम से कम स्वभाव से तो बच्चे बन जाए। जब बड़े महात्मा और शुद्ध भक्ति जब प्राप्त होती ना, तो बच्चों जैसा स्वभाव हो जाता है, हैं? बच्चे का गुण, भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक बच्चा था। बच्चे से क्या गुण लिया भगवान दत्तात्रेय ने? बच्चे को आप गाली दे दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बच्चे की आप स्तुति कर दो, प्रशंसा कर दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे मान सम्मान दो, चाहे अपमान करो, वो सम बना रहता है। साधु का स्वभाव बच्चों की तरह हो जाता है। कोई कुछ कह देता है तो बुरा लग जाता है, और चारा नहीं की चॉकलेट दे देता है तो कूदने लगता है। साधु का स्वभाव बच्चे जैसा होता है। साधु जब किसी के घर पर जाता है तो जैसे कोई बच्चा खेलने के लिए आया हो ऐसा एहसास हो, है? बच्चे के जैसा स्वभाव भगवान दत्तात्रेय ने सिखाया। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि बच्चों को कोई चिंता नहीं होती, न खाने की चिंता, न पहनने की चिंता, कोई चिंता नहीं। कारण क्या है? कारण एक ही है कि वह बच्चा अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को आश्रित है, है ना? जब एक 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 बच्चा साधारण माता पिता को आश्रित हो जाए तो सारी चिंताओं से मुक्त बन जाता है। यदि हम हमारे वास्तविक पिता राम और कृष्ण को आश्रित हो जाए तो सारी चिंताओं से क्यों मुक्त नहीं हो जाएंगे? अवश्य हो जाएंगे। बस केवल आश्रित होना है। ये आश्रय बहुत बड़ी चीज है भक्तों, बहुत बड़ी चीज। भगवान का आश्रय लेना, भगवान को शरणागत होना, ये बहुत बड़ी भक्ति। मैंने तो यहां तक देखे हैं, न साधना, न पूजा, न आराधना, कुछ नहीं, केवल भगवान की शरणागति और भगवान का धाम वैकुंठ। केवल शरणागति से वैकुंठ पा जाते हैं। शरणागति तो हरिम जगाम शरणम, हरि की शरण ग्रहण करें। हरि नाम ही काफी है। हरि, हरि शब्द जो है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरि शब्द अनेक अर्थ, हरि शब्द के अनेकों अर्थ है, लेकिन दो मुख्य है, दुई मुख्यतम। पहला सर्व अमंगल हरे और दूसरा प्रेम दिया हरे मन। हरि का एक अर्थ है सर्व अमंगल हरे। हरि का अर्थ होता है जो अपने भक्तों के जीवन में होने वाले सभी अमंगल को हर ले, उसे हरि कहते हैं। हरि कहते हैं। और हमारे हरि तो बहुत फेमस है, चुराने में तो बिल्कुल फेमस है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में आते हैं तो माखन चुराते हैं। केवल माखन ही नहीं, गोपांग नानाम दुकुलपित चोरम, गोपियों के वस्त्र को चुराते हैं। ब्रजवासी गण कहते हैं कि हमारे ब्रज में जो चोर आया वो चोर नहीं, संसार के सभी चोरों का सरदार है।
क्योंकि हमने आज तक चोर देखे, किसी का धन चुरा लिया, किसी का गहना चुरा लिया, किसी की गाड़ी चुरा लिया, सफेद कोट में वो डॉक्टर जो होते किसी की किडनी चुरा लेते, यहाँ तक चोर देखे हैं। लेकिन हमारे ब्रज में जो चोर आया है वो तो श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, ये तो हार्ट ही चुरा लेता है, ये तो हृदय ही चुरा कर भाग जाता है, ये चोर नहीं, ये तो चोरों का सरदार है। हरि माने हरती इति हरि, चुरा लेना, जो अपने आश्रित अपने भक्तों के दुख को हर ले उसे हरि कहते हैं। कैलाश के शिखर पर एक दिन पार्वती ने शिव जी से कहा, पतिदेव मैं आपसे कुछ चाहती हूं। अब नई नई शादी हुई, नया नया विवाह हुआ, शादी के 2-5 दिन बीते और पार्वती ने कहा, पतिदेव मुझे कुछ चाहिए। तो स्वाभाविक है, शादी के 2-5 दिन के बाद पत्नी क्या कहेगी, हनीमून जाना है। शिव जी तो इंटरनेट सर्च भी करने लगे कि भाई कोई अच्छा पैकेज मिल जाए। पार्वती ने कहा मुझे कुछ चाहिए, शिव जी ने कहा बोलो क्या चाहिए। पार्वती ने कहा पतिदेव मुझे आपके मुख से राम कथा सुननी है, मुझे राम कथा सुननी है। इतना सुनते ही शिव जी को समाधि लगी, आंखें बंद करके शिव जी ने मंगलाचरण किया और राम के गुण को गाने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, हेलो ने भाई हेलो, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव हे मंगल भवन अमंगल हारी, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आपणे पूतनान मारवानी छे, नहीं तो खड़े होकर कीर्तन करते हैं, परंतु आज तो मारना ही है। तो हरिम जगाम शरणम, नंद बाबा को जब चिंता होने लगी तो हरि की शरण में गए। हमारे जीवन में भी जब चिंता हो हरि की शरण में जाए। हरि की शरण ग्रहण करने का अर्थ है हरि का नाम लेना, हरि की कथा सुनना, हरि का दर्शन करना, उनकी भक्ति करना।
तो मन ही मन हरि के शरण में गए। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि सुखदेव जी, वसुदेव ने कहा था कि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, तो क्या वास्तव में हो रहे थे? सुखदेव जी कहते हैं हाँ। वसुदेव झूठ कैसे बोल सकते हैं? बोले उत्पात हो रहे थे। क्या उत्पात? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातेने शिशुम चचार विघ्नंती पूर ग्राम व्रज आदिशु। बोले कंसेन प्रहिता, कंस ने भेजा था किसको? पूतना नाम की राक्षसी को। जब मंत्रिमंडल में चर्चा हो रही थी कि बालकों को मार देंगे, तब ये राक्षसी आई और कहा कि महाराज, आप अपने अनुचर को भेजोगे और लोगों को पता चलेगा तो अपने अपने बालकों को लेकर भाग जाएंगे। आप चिंता मत करें, मैं पूतना रूप बदलना जानती हूं, मैं मेरा रूप बदलकर गोकुल में जाऊंगी और सभी गोपों को मार दूंगी, बच्चों को मार दूंगी, आपका काम हो जाएगा। कंस ने पूतना को भेजा। पूतना का अर्थ आचार्यों ने किया है पूतान अपि नयति इति पूतना। बड़े बड़े पुरुषों का भी जो अपहरण कर ले उसे पूतना कहते हैं, और ये तो बालकों को मारने जा रहे थे। और एक प्रश्न हो सकता है कि ये सब ब्रज में रहने वाले पवित्र बालक थे, तो पूतना का एक अर्थ होता है कि पवित्रान इति नयति इति पूतना, जो पवित्र बालकों को भी मारने में समर्थ है उसे पूतना कहते हैं। तो कंसेन प्रहिता घोरा, स्वभाव कैसा था? घोर पूतना बाल घातिनी। और इसका काम क्या था, बिजनेस क्या था पूतना का? कहते हैं बाल घातिनी, बालकों को मारना, रुधिराशना और मारकर उनका खून पीना, उनको खा जाना, यही पूतना का काम था। शिशुर चचार निघ्नंती पूर ग्राम व्रज आदिशो। वे दिखती कैसी थी? बहुत सारे श्लोकों में वर्णन है, लेकिन एक लाइन में आपको समझा सकता हूं यदि आप परमिशन दो तो। समझो, पूतना दिखती कैसी थी? आज की कोई स्त्री 3-3.5 घंटा ब्यूटी पार्लर में मेकअप करके जब बाहर निकलती और जैसी लगती है वैसे ही पूतना लग रही थी। बिखरे हुए बाल थे, उसमें हाईलाइट की हुई थी, लंबे लंबे नाखून थे, उसको धार बनाए हुए थे। क्या बताए, कुछ ऐसा ही वर्णन है पूतना का। खैर, स्त्रियों को सजना चाहिए, लेकिन सजने का ढंग होता है। आज तो बड़ी परेशानी होती है, पुरुष बाल बढ़ाने लगे हैं और स्त्रियां घटाने लगी हैं। स्त्रियों ने नाक कान में पहनना बंद किया और ये सब पुरुषों ने शुरू किया है। स्त्री अपना कपड़ा पहन छोड़कर पुरुष का पहन रही है, पुरुष स्त्री का पहनना शुरू कर दिए हैं। ये देखकर ऐसा लगता है कि आज के पुरुष स्त्री बनना चाहते हैं और स्त्री पुरुष बनना चाहती हैं। भगवान ने जैसा बनाया है वैसे बने रहे, इसी में आनंद है। खैर, तो ये पूतना वेश बदलकर पूर ग्राम व्रजादिशु अनेकों जगह पर घूम रही थी। इतना सुनते ही महाराज परीक्षित कांप गए। तो इसका अर्थ है पूतना गोकुल में भी आई होगी। परीक्षित महाराज कथा में प्रवेश कर चुके थे। परीक्षित जब कथा सुनते थे ना, तो मानो कथा में वो बैठे हैं, कथा सुन नहीं रहे, वो प्रसंग में उतर जाते थे। मेरी बात समझ रहे ना? मैं और अच्छे से समझाऊं एग्जाम्पल देकर। फिल्म देखा आपने? नहीं देखा? सब लोग शरीफ है यहां तो।
चलो अभी नहीं देखते हैं, पहले देखते होंगे ना। आजकल ब्लैक बंद हो गया है, पहले तो ब्लैक में टिकट ले लेकर थिएटर में जाते थे हम, तो भाई जाते थे इतना इतना पैसा खर्च करके, तीन तीन घंटे अंधेरे में बैठकर वो बड़ी बड़ी स्क्रीन में फिल्म क्यों देखते थे पता है आपको? मैंने तो रिसर्च किया है, इतने पैसे खर्च करके तीन घंटे अंधेरे में बैठकर आदमी फिल्म क्यों देखता है? तीन घंटे तक फिल्म देखने वाला लड़का यही सोचता है कि ये जो हीरो है ना वो मैं ही हूं, और लड़की सोचती है कि ये जो हीरोइन है ना वो मैं ही हूं। वहां हीरो रोता है तो यहां लड़का रोता है, वहां वो हीरो 2-5-25 को मारता है तो यहां उसका भी खून खोलने लगता है कि 2-5 को मैं भी दे दूं। अर्थात अपनी पर्सनालिटी उसमें बिठा लेता है। ईमानदारी से कहो मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं, है ना? अभी भी कुछ लोग अपने आप को अमिताभ मानते हैं, है? तो अपनी पर्सनैलिटी बिठा लेते हैं कि भाई मैं अमिताभ जी हूं, मैं ये हूं वो हूं, और फिर उसके सुख दुख में भाग लेने लगते हैं। तो जब हम कथा सुनते हैं, ये फिल्मों में तो नहीं, लेकिन जब हम कथा सुनते हैं तो कथा में अपनी पर्सनैलिटी बिठा लेनी चाहिए। यशोदा मैया में या राधा रानी में या कृष्ण के किसी सखा में कहीं ना कहीं अपने आप को बिठा लेना चाहिए, कथा में कहीं ना कहीं अपने आप को प्रवेश करा लेना चाहिए। फिल्म देखने जाओ और कहीं ना कहीं किसी ना किसी पात्र में अपनी पर्सनैलिटी न बिठाओ तो पैसा वसूल नहीं होता है मेरे यार। जब पर्सनैलिटी बिठाओगे तब पैसे वसूल होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब कथा सुनते हैं और जब तक अपनी पर्सनैलिटी कथा के किसी पात्रों में नहीं बिठाएंगे, जब तक इस प्रकार से कथा में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक कथा का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कथा में प्रवेश हो जाना चाहिए। परीक्षित महाराज जब गंगा के तट पर कथा सुन रहे थे, कथा में प्रवेश हो गए और इतने प्रवेश कर गए कि सुखदेव जी ने कहा कि पूतना बाल घाती नहीं, भटक रही है बालकों को मारने के लिए। तो परीक्षित को चिंता होने लगी कि अब ये कृष्ण को मार देगी। परीक्षित महाराज के चेहरे पर बदलते हुए भावों को देखकर सुखदेव गोस्वामी समझ गए, कथा को रोककर एक श्लोक का सिद्धांत दे दिया। सुखदेव जी सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि परीक्षित चिंता मत करो, न यत्र श्रवणादीनी रक्षोग्नानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भर्तु यातु दानश्च तत्र ही। परीक्षित ये पूतना की चिंता मत करो, पूतना की बात तो दूर रही, कृष्ण की बात तो दूर रही, जिस स्थान पर कृष्ण के नाम का कीर्तन होता है, जिस स्थान पर कृष्ण की कथा होती है, जहां कृष्ण का कथा और कीर्तन होता है, वहां पर भी पुतना जैसी राक्षसियों का साया नहीं चलता है, आसुरी शक्ति का प्रभाव नहीं चलता है जहां कृष्ण का नाम लिया जाता है। तो फिर जहां साक्षात कृष्ण उपस्थित है वहां पुतना क्या बिगाड़ सकती है? जहां भगवान का नाम लिया जा रहा हो वहां आसुरी शक्ति अपना प्रभाव नहीं चला सकती, तो फिर जहां साक्षात भगवान उपस्थित है वहां आसुरी शक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं आपको एक मेरी जीवन की एक असली घटना बताऊं। ये भागवत कथा मैं 10 साल से कर रहा हूं, 10-12 साल से। आप समझ सकते 12 साल पहले मैं तो बच्चा ही होऊंगा, लेकिन कथा करने का बहुत शौक था, वो तो आज भी है। लेकिन शुरू शुरू में बड़ा ही होता है ना, इसलिए जब भी कोई निमंत्रण आता था तो हम देखते नहीं थे कि भाई किसका निमंत्रण है क्या है, हम चले जाते थे। तो राजस्थान में 2 कथा हमारी नक्की हुई, हम तो गए, वाया वाया किसी ने कथा नक्की कर दी। तो पहली कथा हम कर रहे थे नरवर में और दूसरी कथा थी गुलर में,
राजस्थान के ये छोटे छोटे दो गांव हैं। तो नरवर में कथा कर रहे थे, कथा का पांचवा दिन हुआ और दूसरी जो कथा थी गुलर में, वो कथा का ऑर्गेनाइजर हमको मिलने के लिए आया। किसी ने समाचार दिया कि अगली कथा वाले आए हैं। मैंने कहा ठीक है बिठाओ, मैं आता हूँ। मैं गया उनके पास। वो ऐसे तो हॉरर फिल्म का कोई कैरेक्टर ही लग रहा था। मुझे कहा नज़दीक आओ। मैंने कहा बोलिए, सुनाई दे रहा है। बोले हमने जिस कथा का आयोजन किया है ये मनुष्यों के लिए नहीं किया है। मैं तो मन में सोचूं मैं तो आदमी का कारीगर हूं और ये भाई क्या नया लेकर आया है, लेकिन हम तो कथाकार थे तो थोड़े कथा के उसमें। बोले हमने मनुष्यों के लिए कथा आयोजन नहीं की है। तो मैंने कहा किसके लिए की है। बोले हमारे गांव में बहुत आत्माएं भटक रही हैं, बहुत लोगों ने आत्महत्या की है और इन सारी बुरी आत्माएं भटक रही हैं, उन आत्माओं को शांत करने के लिए हमने कथा का आयोजन किया है। और मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी कथा करते हैं, तो ये सारी आत्माएं आएगी और आप उसका उद्धार कीजिएगा। मैं तो उसके सामने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं तो कथाकार हूं ना, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही बैठा था। ठीक है, वो गया। फिर मैंने जिसके वाया वाया जिसकी कथा न की हुई थी ना, सबको बुलाया। बोला सालो, मैं आदमियों को सुनाता हूँ कि आत्माओं को सुनाता हूँ? मैं कोई कथा वथा नहीं करूँगा क्योंकि मैं तो डर रहा था। बोले नहीं प्रभु जी, कर लीजिए। तो मैं तो थोड़ा बहुत भी तैयार हुआ, लेकिन मेरी पत्नी, मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरी पत्नी ने कहा आपको जाना है तो जाओ आत्माओं को सुनाने के लिए, मैं जा रही हूँ मुंबई वापस। फिर दो दिन था मेरे पास पत्नी को मनाने के लिए। तो मैंने कहा देखो अब हम अकेले थोड़ी ना है, क्योंकि उस समय हम लोग पूरा ग्रुप लेकर जाते थे, 25 जन की टीम थी हमारी। तो बोले हम 25 लोग साथ में हैं, साथ में रहेंगे, कौन आत्मा क्या बिगाड़ेगी। ऐसे करके मैंने पत्नी को तैयार किया। फिर वो सातवें दिन हमको लेने के लिए आए, तो वो दो गाड़ी लेकर आए, एक मिनी बस और एक कार। कार में मुझे मेरी पत्नी को बिठाए, बस में वो सारी टीम को बिठाए। तो मैं तो बार बार ऐसे इनडायरेक्टली कह रहा था कि साथ में ही चल रहे ना, साथ में जा रहे हैं। बोले हाँ साथ में। तो बस आगे जा रही थी। आज भी जब मुझे याद आ रहा ना, मेरी धकधकी बढ़ जाती है। बस आगे चल रही थी, पीछे मेरी कार चल, वो लोग चला रहे थे। अब जैसे ही वो गुलर गांव आया तो बस ने राइट लिया, मेरी कार ने लेफ्ट लिया। मैं तो डरा, अंदर से डर रहा, लेकिन बाहर से तो ये था ना। मैंने कहा कि यहां कहां जा रहे हैं हम। बोले वो तो आपकी टीम है, वो जो गाना बजाती है सब कुछ करती है, उनको तो कथा मंडप के बाजू में रहना जरूरी है ना, तो उनको कथा मंडप के बाजू में रखा है, आपको तो हम कहीं दूर लेकर जा रहे हैं। दूर 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 दूर, किसी हॉरर फिल्म की हवेली होती है ना, ऐसी हवेली में मुझे लेकर गए। वीरान जगह, रेगिस्तान, और बीच में हवेली, हवेली के बाजू में एक पेड़ और पेड़ के बाजू में कुआ। ए तुम्हें क्या जाओ छो, हूँ डेरो नहीं तुम्हें डरी क्या। हाँ तो क्या कह रहा था, कहाँ पहुंचे थे हम? यस, तो अब हवेली में गए, सामान उतारा, सामान चढ़ाया। हवेली में कोई नहीं, मैं और मेरी पत्नी को फर्स्ट फ्लोर पर लेकर गए, सामान रखा और मुझे हवेली की छत पर, टेरेस पर लेकर गए। आओ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अब दिखा दे और क्या बाकी रहा है। टेरेस पे ले जाके, वो घर में ही कुआ था, इसी कुएं में। फिर क्या इस कुएं में,
इसी कुएं में सब आत्महत्या करके मरे हैं और यहीं से आत्माएं निकलती है। मैंने कहा क्या काम से, टीम तो वहां चली गई, मैं और मेरी पत्नी अकेले, फोन का भी कनेक्शन नहीं क्योंकि इतनी वीरान जगह थी। अभी भी ठीक था लेकिन वो हमें छोड़कर जाने लगे। मतलब तुम क्या कहां जा रहे हो? बोले नहीं आप यहां रहेंगे, हम तो हमारे घर पे रहेंगे। जाते जाते उसने कहा कि देखो ये जो सारी आत्माएं हैं ना रात को कथा व्यास के पास आती हैं, तो आप आत्माओं को कथा सुनाइएगा और सबको शांत कर दीजिएगा। इतना बोल के वो चला गया। अब हमारे पास तो नरसिंह आरती के अलावा कुछ नहीं था। मैं और मेरी पत्नी बैठकर नरसिंह आरती शुरू, लेकिन नरसिंह आरती भी ढाई मिनट में खत्म हो जाती है। नरसिंह आरती बंदा गाएगा कितनी गाएगा, एक बार गाया, दो बार गाया, तीन बार गाया। वो रात आज भी हमें याद है। अब मैंने कहा पत्नी को कि काम करो, खिड़की दरवाजे बंद कर दो। अब खिड़की बंद की, दरवाजे बंद किए, रेगिस्तान में हवेली थी इसलिए बहुत जोर से हवा आती थी। आज तक फिल्मों में देखा था लेकिन उस समय मैंने तो जोर से हवा आती ना, और फिर खिड़की के बीच में जो कोई जगह खाली रह जाती है तो हवा का प्रेशर आता है करके, तो ऐसा ऐसी आवाज भी आ रही है। जैसे तैसे फिर तो क्या था, भागवत लेकर बैठा और फिर भागवत में अनेकों श्लोकों का आश्रय किया और फिर वो भय दूर हुआ। कथा हुई, कीर्तन हुआ, फिर तो हमने भक्तों को बुलाया, उस कुएं के आजू बाजू में कीर्तन कराया, हवेली में कीर्तन कराया, जैसे तैसे 7 दिन पूरे किए और तुरंत फ्लाइट पकड़ के मुंबई चला गया। मैं मुंबई गया, 2 दिन के बाद उसका फोन आया, उस आदमी का, ऑर्गेनाइजर का। पहला पॉइंट, 25 साल में हमारे राजस्थान में बारिश नहीं हुई लेकिन आपने कथा की, आज मूसलाधार बारिश हो गई, हमारा राजस्थान पानी से भर गया। और दूसरा, अनेकों आत्माएं हमें परेशान कर रही थीं लेकिन आपकी कथा के बाद सारी आत्माएं शांत हो गई। और अब तो पूरे गांव वालों ने निर्णय लिया है कि हर साल आपको बुलाएंगे। मैं बोला तेरी कथा दूसरी बार मैं करूंगा। फिर तो उसने बहुत फॉलोअप किया, बहुत मैसेज किए फोन के, मैं कभी उसकी कथा नहीं किया। मुझे जो आपसे कहना है, यहां सुखदेव गोस्वामी ने कहा न यत्र श्रवण आदिनी रक्षोग्नानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भर्तु यातु धान्यश्च तत्र हि। जहां पर कृष्ण का नाम और कृष्ण की कथा होती है, कृष्ण का कीर्तन होता है, वहां आसुरी शक्ति का साया नहीं होता, वहां आसुरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं चलता। कभी कभी क्या होता है, आत्माएं किसी को पकड़ लेती हैं, कभी कभी आसुरी शक्ति काम करती है, लेकिन कैसे लोगों के ऊपर जो कंठी नहीं पहनते, जो भगवान का नाम नहीं लेते, जो अपवित्र रहते हैं, ऐसे लोगों पर जो हरि का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, उसे कभी भी आसुरी शक्ति परेशान नहीं कर सकती। तो सुखदेव जी ने यही कहा कि परीक्षित चिंता मत करो। परीक्षित निश्चिंत हुए, सुखदेव जी गोस्वामी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं सा खेचरी कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। हे परीक्षित, सा खेचरी, वह खेचरी, वह पूतना, ख माने आकाश, चर माने विचरण करने वाली, वह पूतना आकाश में विचरण करते करते गोकुल में आई और गोकुल में नीचे उतरी, प्रवेश की और अपना रूप बदल दी। पूतना ने अपना रूप बदल दिया। पूतना अपना राक्षसी रूप छिपाकर ब्रज गोपी का रूप धारण करके ब्रज में प्रवेश करने लगे। पूतना नंद गोकुलम, नंद महाराज के गोकुल में प्रवेश की और सुंदर गोपी का रूप धारण किया। सुखदेव जी ने अनेक श्लोक में वर्णन किया, बालों में मालती के फूल डाले हुए हैं, सुंदर गोपी ड्रेस पहना है,
सुंदर मेहंदी रखी है और अपने एक हाथों में कमल का फूल हिलाते घुमाते हुए पूतना राक्षसी उस गोकुल में प्रवेश की। ब्रजवासियों को पूतना के रूप को देखकर लगा कि लगता है साक्षात लक्ष्मी नारायण को मिलने जा रही है। एक आचार्य कहते हैं कि कहाँ ब्रजवासियों का भाव कि पूतना जैसी राक्षसी भी लक्ष्मी के रूप में दिखाई दे रही है, और कहाँ हमारा भाव यदि लक्ष्मी बाजू में आकर बैठ जाए ना तो उसमें भी हम राक्षसी को देखते हैं कि कोई राक्षसी तो नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं उसे सब शुद्ध दिखाई देते हैं, ब्रजवासी बड़े शुद्ध है। पूतना धीरे धीरे करके गोकुल में प्रवेश की और सीधे यशोदा मैया के घर पर। यशोदा और रोहिणी कृष्ण को पलने में झुला रही थी और पूतना घर में प्रवेश की और बड़ी भोली और प्रेमी भाषा में कहा कि मैया मैं आपके बच्चे को झुला सकती हूं। यशोदा ने तो अपना महाभाग्य समझा कि इतनी सुंदर नारी लक्ष्मी की समान स्त्री मेरे बेटे का लालन करे तो मेरा सौभाग्य है, बोले क्यों नहीं। पूतना जा रही है और उस समय यशोदा और रोहिणी को रसोई घर में कुछ काम था, बोले सखी हम कुछ काम करती हैं तब तक तुम कृष्ण का ध्यान रखो। यशोदा रोहिणी रसोई घर में चली गई और यहां पूतना धीरे 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 कृष्ण के पास आ रही है। पूतना धीरे धीरे कृष्ण की ओर आगे बढ़ रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण उस दिन 6 दिन के थे। जन्म हुआ 6ठे दिन की बात, आज कौन सा दिन है जन्माष्टमी के बाद, आज 5वां ही दिन है ना, बस यही दिन चल रहे थे। 6ठे दिन की बात, 6 दिन का लड़का था और दूर से पूतना को आते हुए कृष्ण ने देखा तो तम उन मिलिंतम नेत्रम, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब कृष्ण ने अपनी आंखें बंद क्यों की इसके अनेकों कारण आचार्यों ने दिए हैं, उनमें से कुछ कारण मैं आपको दूं। भगवान ने सोचा कि पूतना राक्षसी है और मैं इस धरती पर प्रकट हुआ हूं दुष्टों का विनाश करने के लिए, तो विनाश तो मुझे करना है लेकिन किसी स्त्री से ओपनिंग करना यह ठीक नहीं है। स्त्रियों को मारकर ये सब ओपनिंग करना, वहां राम अवतार में भी पहले ताड़का को मारना पड़ा और यहां पर भी यही आ गई। कृष्ण ने सोचा आंखें बंद कर दूं ताकि ये चली जाए। दूसरा एक आचार्य ने भाव यह भी दिया कि पूतना कपट करके आई है ना, पूतना कपट रूप लेकर आई है, वैसे राक्षसी है लेकिन गोपी बनकर आई है। तो जो व्यक्ति भगवान के सामने कपट करके जाता है भगवान अपनी आंखें बंद कर देते हैं। कृष्ण दुनिया में सबको देखते हैं लेकिन कपट करने वाले को कृष्ण कभी नहीं देखते हैं। अरे कृष्ण छोड़िए, कृष्ण तो थोड़े टेढ़े भी हैं, राम तो सीधे साधे भोले भाले। राम ने रामायण में कहा कि कपट करने वाला व्यक्ति कभी मुझे पा नहीं सकता है, इसलिए कपट नहीं करना चाहिए। हम अंदर जैसे हैं, साधु जो होता है ना अंदर और बाहर एक ही होता है, हमारा अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। बाहर से हम जब भक्तों से मिलते हैं तो लगता है राम और भरत का मिलन हो रहा है, हमको आंखों में आंसू आ जाता है कि इतना प्रेम से मिल रहा है, और वही जब बिछड़ते हैं तो एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे की निंदा ईर्ष्या करते हैं, कपट। तो पूतना कपट करके आई और भगवान को कपट पसंद नहीं, इसलिए भगवान ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर दी। कितने कारण हुए, दो। और एक कारण, पूतना अविद्या है और भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने अविद्या टिक नहीं सकती। भगवान ने सोचा कि पूतना को मारना है, यदि आंखें खुली रखा तो पूतना मेरे सामने टिक नहीं पाएगी, यह सोचकर कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। और एक कारण मुझे कल ही पता चला, कृष्ण ने अपनी आंखें पूतना को देखकर क्यों बंद कर दी,
भक्तों प्रेम कभी किया? किया होगा आपने। प्रेम की शुरुआत कहां से होती है? आंखों से होती है, है ना? आंखें इशारा, आंखें कुछ कहती है। किसी व्यक्ति के सामने, किसी के आंखों के सामने कुछ देर तक देखते रहो तो एक संबंध हो जाता है, प्रेम का संबंध। कृष्ण ने सोचा कि मैं आंखें खुली रखूंगा, पूतना मेरी ओर आ रही है और मेरी आंखों और पूतना की आंखें मिलेंगी तो प्रेम का संबंध हो जाएगा और फिर पूतना को कभी मार नहीं पाऊंगा। यह सोचकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। कितने कारण हुए? चार। कृष्ण ने यह सोचा, पांचवा कारण, कि पूतना अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर आई है मुझे मारने के लिए, विष लगाकर आई थी। तो कृष्ण अपनी आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, मैं तो दूध दही माखन खाने वाला आदमी, ये विष पीने की प्रैक्टिस तो आपको है। समुद्र मंथन में यहां वहां आप विष पीते हैं, तो भोलेनाथ आपके लायक भोजन आया है, आपके टाइप का भोजन आया है। तो आंखें बंद करके कृष्ण शिव जी का ध्यान कर रहे हैं कि आप आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। भागवत में भी आया है, जब कृष्ण पूतना का स्तन पी रहे थे और फिर ये कर रहे थे तो रुषा एव, तो वहां पर आचार्यों ने रुषा का अर्थ शिव किया कि वास्तव में वह वैश्य शिव जी ने पिया। मुझे तत्कालीन एक बात याद आ रही है कि जब जब दूध दही माखन खाना हुआ तो कृष्ण ने खाया और जब विष पीने की बारी आई तो शिव जी को बुलाया। कृष्ण भगवान है और शिव जी भक्त है। वैष्णवानाम यथाशंभु, सदियों से भक्तों, युग युगांतर से विष पीने का काम एक और मात्र एक भक्त ही करते आए हैं। भजन करने के लिए एक बात तो तय है कि विष तो पीना पड़ेगा, संसार का जो विष है यह तो पीना पड़ेगा। बहुत बहुत निंदा भी होगी, ईर्ष्या भी होगी, लोग चर्चा भी करेंगे, लोग बातें भी करेंगे, लेकिन शिव जी की तरह हमें विष तो पीना होगा। क्योंकि हम जब विष नहीं पिएंगे तो हमारे भगवान दूध दही माखन कैसे खाएंगे? इनको खिलाने के लिए हमको विष पीना होगा। इसलिए कभी ऐसा मत समझो हम लोग इतनी भक्ति करते हैं, इतना भजन करते हैं तो हमारे जीवन में इतना दुख क्यों, हमारे जीवन में कष्ट क्यों। ये दुख, ये कष्ट, ये विष तो भक्त ही पिएंगे और कौन पिएंगे। तो शिव जी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की शिव जी का ध्यान करने के लिए, ठीक है? कितने कारण हुए? छह हुए ना। और चलो अंतिम कारण, वैसे 22 कारण है लेकिन ये 9:30 बजे चले जाएंगे तो पूतना मरेगी नहीं, तो मैं बेचारे 9 बजे जाने वाले थे, मैंने 9:30 कराया, तो बाकी के कारण फिर कल या समय आने पर सुनेंगे। एक अंतिम कारण जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण ने देखा कि पूतना, माँ अक्सर कहती है कि देखो बेटा बाहर का मत खाओ रोग हो जाएगा, बाहर का मत खाओ रोग हो जाएगा, और ये पूतना अपने स्तन पर विष लगा कर आई, मतलब बाहर का खिलाने के लिए आई है ना। तो कृष्ण ने देखा कि पूतना जबरदस्ती मुझे बाहर का खिलाने वाली है और मां कहती है बाहर का खाने से रोग हो जाएगा। तो कितना भी बड़ा रोग दवाई से ठीक नहीं होगा तो रामदेव बाबा के योग से तो अवश्य ठीक होगा। तो कृष्ण ने सोचा कि रोग होने से पहले ही थोड़ा सा योग कर लूं। तो आपको पता है कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, हमें तो बधे माथा मारा पेट घटाड़वा माटे पण। तो ये सब करने के लिए अब मंगलवार से और एक नया चीज करना है।
तो ये सब करने के लिए, ये योगा करने के लिए पहले आंखें बंद करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो यह सोच कर कि ये मुझे बाहर का खिलाने के लिए आई है तो रोग तो होगा, तो रोग होने से पहले थोड़ा योगा कर लूं, तो ये रसिक संतों के रसिक भाव है। तो यह सोचकर भगवान कृष्ण अपनी आंखें बंद किए योगा करने हैं। तो कुल मिलाकर पुतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। पुतना धीरे 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 कृष्ण के पास आई है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे राख से ढके हुए अंगारे को अनजान व्यक्ति समझ नहीं सकता है और उसे हाथ में उठा लेता है और हाथ जलकर राख हो जाता है, वैसे बाल्य रूप रूप धारण किए हुए भगवान को पुतना पहचान नहीं पाई। बाहर से पुतना को लगा कि ये तो साधारण बालक है, लेकिन अंदर से ये पुतना के काल का भी काल था, ये महाकाल था, ये पुतना के लिए विकराल था। पुतना ने एक साधारण बालक की तरह कृष्ण को उठा लिया, ये कृष्ण को नहीं, पुतना ने अपनी मौत को उठाया। कृष्ण को अपने हाथों में उठाया और उठाकर पुतना अपना स्तन कृष्ण को देने लगी। हमारे भगवान इतने रसिक हैं भक्तों, क्या बताऊं, इसको कोई कुछ भी दे दे ये स्वीकार कर लेते हैं, नहीं तो ये राक्षसी, दूसरों का खून पीने वाली, मांस खाने वाली, इसका दूध कौन पिएगा। लेकिन नहीं, ये तो कोई आया, इसको कोई चढ़ाया तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं, ये भगवान की बड़ी महिमा है। तो पूतना ने अपना स्तन दिया, भगवान श्री कृष्ण पूतना का स्तन पीने लगे। धीरे धीरे पूतना का सारा दूध पी गए और अब कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे। श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं कि कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे। पूतना के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के प्राण थे। ब्रज आदि में जाकर पूतना अनेक बालकों को मारकर उनके प्राण को पी चुकी थी। कृष्ण पूतना के प्राण पी रहे हैं, इसका अर्थ है पूतना के अंदर जितने भी बच्चों के प्राण हैं ये कृष्ण अपने अंदर ले रहे हैं और उनको सायुज्य मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पूतना के प्राण पी रहे हैं और जब प्राण पीने लगे अब पूतना को कष्ट होने लगा और पूतना चिल्लाने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीबॉडी चैंट होली नेम, भाव से आज हमारे भगवान प्रथम लीला करने जा रहे हैं, आज भगवान के द्वारा पहला वध होने जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव से कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए Ah
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare तस्मिन् सनम दुर्जर वीर्ण मूलबणम गौरांक मादाय शिरो ददावथ गाढ़म कराव्यान भगवान प्रपीड़यतत प्राणे समम रोष समन वितोपिबत। पूतना भगवान श्री कृष्ण को जबरदस्ती अपना स्तन पिलाने लगी। भगवान कृष्ण दूध पी गए और अब पूतना का प्राण पीने लगे। जैसे ही कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे पुतना के आठों अंग कांपने लगे। पुतना को बड़ा कष्ट होने लगा। पुतना चिल्लाने लगी सा मुंच 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 इति प्रभाषिणी निष्पीड्य माना खिल जीव मर्मणि। आठों अंग कांपने लगे। पुतना चिल्लाने लगी अरे छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन हमारे भगवान का एक स्वभाव है, एक तो ये आसानी से किसी के हाथों में आते नहीं है। इतनी मेहनत करवाते हैं, मंगला आरती करो, पूजा करो, भक्ति करो, तपस्या करो, एकादशी करो, साधना करो। एक तो ये कृष्ण आसानी से किसी के हाथों में आते नहीं है, और यदि किसी के हाथों में आ गए तो फिर छोड़ने का नाम लेते नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आओ से हरे हरे राम राम हरे हरे हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो। आ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे छोड़ छोड़ छोड़। परंतु भगवान छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूतना के आठों अंग फटने लगे। अब पूतना को इतना कष्ट होने लगा कि वो अपना बनावटी शरीर छुपाए न रखी। वो गोपी का रूप पूतना धारण करके न रख पाई और पूतना का राक्षसी स्वरूप प्रकट होने लगा। धीरे 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 पूतना का शरीर बढ़ा और अब पूतना कृष्ण को लेकर यशोदा के घर से दौड़ने लगी। हाँ हरे कृष्णा 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 हे हरे हरे राम 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 हरे हरे उतना दौड़ रही है परंतु भगवान का प्राण बंद नहीं हो रहा है। बार बार चिल्ला रही है छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन आज भगवान कृष्ण ने ठान लिया मैं पूतना का उद्धार करके रहूंगा। कर सर पर सद हरि अमर कर अनुसर कर परवर धर मेल करे। कर सर पर सद हरि अमर कर अनुसर कर परवर धर मेल करे। हरिहर सूर्य वर्य पर यतियन कर नटवर मन हर मैर बने। ए मन हर मटक लटक ताट निकट मुकट शिर सवर्ण में गणरण पट परड़ परड़ पद गूंगर रंग भर सुंदर श्याम रे जी जी रंग भर
श्याम रमे रे जी जी रंग भर सुंदर श्याम रमे। भगवान श्री कृष्ण पूतना के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, धरती डोलने लगी, आकाश गरजने लगा, तब डमक डमक दहादुर डब डमकत बहकत मोर मलाल की राम। ए तब शब्द पुकारत चातक पियु पियु को किल कंठ गिरा, तब गड़ड़ गड़ड़ नभ हो कड़ाका गणन गिरिवर शिखर बजे गणरण पट परड़ परड़ पद गूंगर रंग भर सुंदर श्याम रमेरे जी जी रंग भर सुंदर श्याम रमेरे जी जी रंग भर सुंदर श्याम रमे। पुतना दौड़ने लगी और दौड़ते 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 ब्रज गोकुल में कंस का बहुत बड़ा बगीचा था। जैसे ही कंस के बगीचे में पहुंची, भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम प्रहार किया और उस समय जैसे आकाश से कोई पर्वत गिरे वैसे हजारों वृक्षों को लेकर 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पुतना राक्षसी जैसे आकाश से कोई पर्वत गिरे वैसे धड़ाम करके पृथ्वी पर गिरी। आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्प की वृष्टि करने लगे और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। पैंतीस साल के बंदे को जब आज कथा में पूतना को मारना हुआ तो इतना कष्ट हुआ, मेरे 6 दिन के लाला को कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन पूतना धराशायी हुई। पूतना जैसे गिरी तो भागवत में वर्णन है, ये धरती हिल गई। जैसे असमय में वज्रपात हुआ हो ऐसा एहसास हुआ। 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी राक्षसी थी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को गिराया। लेकिन रहस्य की बात तो यह है भक्तों कि कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को तार दिया। मारा तो उसे कहा जाता है कि मरने के बाद नरक में भेजा, ऐसा नहीं हुआ। यहां पर कृष्ण ने पूतना को अपना लिया और पूतना को अपने धाम वैकुंठ में भेजा और वैकुंठ में अपनी माता का स्थान दिया। ब्रज वृंदावन में महात्मा विदुर और उद्धव जी का जब मिलन हुआ और उद्धव जी जब यह बात बता रहे थे तो उनके आंखों में आंसू आ गया। उद्धव जी कहने लगे, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिंगाशया पायत अपि असाधवी लेभे गतिम दात्री उचितम ततोव्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। आप विचार तो करो कि बकासुर की बहन ये पूतना, ये राक्षसी कपट करके स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई थी, एक 6 दिन के बच्चे को इस प्रकार से कपट करके मारना कितनी बड़ी कायरता है। लेकिन कृष्ण ने भी देखा कि पूतना अपनी दुष्टता की सीमा लांघ रही है तो आज मैं अपनी दया की सीमा लांघ दूंगा। पूतना आज दुष्टता दिखा रही है तो मैं मेरी दया दिखाऊंगा। कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं लेकिन कृष्ण की असंख्य लीलाओं में सबसे अधिक दया खर्च हुई है तो इस पूतना लीला में। विचार तो करो कि जान से मारने के लिए कपट करके रूप बनाकर स्तन पर विष लगाकर कृष्ण को मारने के लिए आई थी। उस पूतना को कृष्ण ने लेभे गतिम धात्री, धाता धात्री मां की गति प्रदान कर दी। उद्धव जी कहते हैं के कमवा दयालु, इस धरती पर इतना बड़ा दयालु और कौन है कि जिसकी हम शरण ग्रहण कर सके।
अब तो समझ जाइए कि इससे बड़ा दयालु और कोई नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला, लीला आज सुनी है, लीला का सार जो है ना मैं कल सुनाऊंगा। क्योंकि परीक्षित ने तुरंत प्रश्न पूछा, वो तो बुद्धिमान थे कि भाई पूतना में ऐसा क्या था जिसको देखकर कृष्ण ने उसको अपनी माँ बना लिया। हम तो पूतना से तो अच्छे हैं भाई है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज थी जो कृष्ण ने देखी और पूतना को अपनी माँ बना लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसका उत्तर मैं दूंगा लेकिन कल दोपहर को 4 बजे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री बाल कृष्ण लाल की, गोवर्धन नाथ की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धन्यवाद। तो अनाउंसमेंट होगा और जैसे कल राधा जीवन प्रभु ने बहुत सुंदर आशीर्वचन दिए और भक्तों को बड़ा आनंद आया। अरविंद भाई, ईश्वर भाई भी कह रहे थे कि जब जब समय मिले और प्रभु जी कुछ बोलें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं निवेदन करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ पूज्य राधा जीवन प्रभु से कि वे आए और पुनः एक बार अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। ये स्टैंड है ना, दे दो। हरे कृष्णा, आवाज ठीक है? ठीक है, मैं बजा रहा हूँ। हरे कृष्णा, मुखम करोति वाचालम पंगु लंगयते गिरिम तत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। कथा तो इतनी अच्छी हमारे व्यास जी कह रहे हैं, 2.25 घंटे निकल गए, लेकिन जब व्यास जी का अंतिम अनाउंसमेंट होता है कि आगे की कथा कल, तो मन में खींच आती है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे आचार्य व्यास जी इतनी आत्मीयता से हम श्रोताओं को कथा सुना रहे हैं और प्रेरणा भी दे रहे हैं कि कथा में प्रवेश करके और इस कथा को अपना समझ करके कथा सुननी चाहिए। आज उन्होंने इस सिद्धांत को प्रकट किया कि भगवान कितने दयालु हैं। जो भी कोई जीव भगवान के प्रति थोड़ी सी भी अनुकंपा दिखाता है तो भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं। कल भी व्यास जी ने एक कथा कही थी उसी के संबंधित, एक भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा है जो भगवान के स्वभाव को हम लोगों को दर्शाता है। एक ब्राह्मण थे मथुरा में जिनके बहुत सुंदर भगवान कृष्ण के एक विग्रह थे। वे ब्राह्मण बड़े वैष्णव थे और विग्रह की पूजा सुबह प्रातःकाल यमुना जी स्नान करके वे किया करते।
एक बार जमुना जी से स्नान करके वे अपने घर को लौट रहे थे. रास्ते में एक मंडी, एक बाजार होता था. उस दिन उन्होंने देखा कि एक माली फूल की एक डलिया लेकर के बड़े सुंदर गुलाब के टटके टटके फूल बेच रहा है. गुलाब इतने सुंदर थे कि ब्राह्मण देवता वो वैष्णव का मन बिल्कुल मोहित हुआ. उन्होंने सोचा कि आज इस गुलाबों से मैं अगर अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करूं तो हमारे भगवान बड़े प्रसन्न होंगे. वे माली के पास जाते हैं, गुलाबों का मोल करते हैं. मोल मुलाई करते करते 5 रुपए में, उन दिनों की बात है 500 साल पहले, 5 रुपए में पूरी डलिया गुलाब की तय हो जाती है. जैसे ही मोल मुलाई खत्म हुई, उसका मोल तय हुआ, उसी समय अकबर बादशाह आगरे से दिल्ली जा रहा था और उसने उस रात को मथुरा में कैंप किया था. बादशाह का गुलाम साग सब्जी इत्यादि लेने के लिए बाजार में घूम रहा था. उसने देखा इतने सुंदर फूल हमारे बादशाह ने भी नहीं देखे होंगे. अगर ये डलिया मैं बादशाह को ले जा करके गुलदस्ते बना करके पेश करूं तो निश्चित मेरा प्रमोशन हो जाएगा. वे उसी समय वहां पे आया, उसने भी मोल मुलाई शुरू की. कितने का गुलाब है? पंडित जी ने कहा इसके तो दाम हो गए भाई, 5 रुपए में खरीदा है मैंने. गुलाम ने कहा मैं 10 रुपए देता हूं. पंडित जी ने कहा क्यों दाम बढ़ा रहे हो? लेकिन माली तो लालच में आ गया था. माली पंडित जी की तरफ देखने लगा. पंडित जी ने अपने मन में ठान ली थी कि आज ये गुलाब की डलिया तो हमारे ठाकुर जी को पेश होगी. जैसे ही उसने 10 रुपए कहा तो पंडित जी ने विवश होकर कहा भाई मैं 15 रुपए दे दूंगा, गुलाब तो मेरे घर जाएंगे. गुलाम ने बहुत अकड़ के कहा तू 15 देगा तो मैं 25 देता हूं. फिर तो वो ठन गई बात. इधर भगवान के तरफ भगवान के भक्त की भक्ति थी, उधर उसका अभिमान और अहंकार. पंडित जी ने कहा तुम मुझसे 50 रुपए ले लो लेकिन ये गुलाब तो मेरे घर जाएंगे. गुलाम ने कहा मैं 75 रुपए देता हूं. पंडित जी ने आवेश में आके कहा मैं 100 रुपए देता हूं. गुलाम ने सोचा उस समय कि अगर 100 रुपए दे करके मैं डलिया लेकर के गया बादशाह के पास और बादशाह ने गुलाब को देख करके पूछ लिया कि तुम ये कितने का लेकर के आए हो तो मुझे तो सत्य वचन बोलने पड़ेंगे. और अगर बादशाह ने सुना कि 100 रुपए बादशाह के खर्च करके गुलाब लाया हूँ तो प्रमोशन तो दूर रहा, मेरी गर्दन को कलम कर देंगे. हम अपने गुमास्ताओं को तभी तक सम्मान देते हैं जबकि उनकी सेवा से हमें कुछ प्रॉफिट हो, कुछ लाभ हो. नहीं तो उनकी भक्ति का कोई सम्मान नहीं है अगर हमें लॉस हो रहा हो. ये हमारा स्वभाव है. पंडित जी घर पे जाते हैं, सारा सामान घर का बेच करके 100 रुपए लेकर के आते हैं क्योंकि माली ने कहा पंडित जी वो गुलाम तो चला गया लेकिन आज ये गुलाब की डलिया मैं जमुना जी में फेंक दूंगा लेकिन आपको तो 100 रुपए ही देने पड़ेंगे. उन्होंने कहा ठीक है भाई. सारा सामान बेच करके वे ले करके आते हैं, 100 रुपया दे करके गुलाब का फूल ले जाते हैं. अपने ठाकुर जी के लिए हाथों में कौंदनी बड़े सुंदर तरीके से गुलाब से भगवान का श्रृंगार करते हैं. ठीक 7:30 बजे सुबह पंडित जी ने एक बहुत बड़ा गुलाब का गजरा फूल की माला बनाई और अपने ठाकुर जी के गले में पधरा दी. जैसे ही उन्होंने ये कार्य किया मथुरा में, उसी समय जतिपुरा में श्रीनाथ भगवान उस समय विराजते थे. सत्य घटना है. और भगवान के पट 7:30 बजे खुले, सारे हजारों वैष्णव वहाँ दर्शन करने के लिए जुटे हुए थे. और जैसे ही पट खुले श्रीनाथ जी ने दर्शन दिए लेकिन श्रीनाथ जी की गर्दन वो यूं झुकी हुई थी. गोसाई जी उस समय जो
मुख्य सेवक थे और ठाकुर जी से वार्ताएं करते थे, वे दौड़ करके भगवान के पास गए और उन्होंने श्रीनाथ जी से पूछा, लाल जी क्या बात है, आप रात ठीक से सोए नहीं, आपकी गर्दन में पीड़ा है, गर्दन क्यों झुकी हुई है। धीमी आवाज में ठाकुर जी ने गोसाई जी से कहा, मेरे एक भक्त ने मथुरा में मुझे फूलों की माला पहनाई है जिसका भार मैं सहन नहीं कर सकता। गोसाई जी ने कहा, आपने गोवर्धन धारण किया है, फूल की माला नहीं सह सकते। उन्होंने कहा, नहीं, वो फूल की माला इतनी भारी है मैं उसको सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उस भक्त ने अपने जीवन का सारा कुछ बेच करके अपने भगवान की लाज रखी, अपने संकल्प की लाज रखी, अपने शरणागति की लाज रखी और भगवान को वो माला पहनाई, तो भगवान कृतज्ञता से उस बोझ को धारण नहीं कर सके। ऐसे कृतज्ञ हैं हमारे श्री कृष्ण। और अहो भाग्य है हम जीवों का कि ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे कृतज्ञ श्री कृष्ण से हमारा संबंध व्यास जी कथा के माध्यम से हम लोगों को करवा रहे हैं। इसी भावना से हमें अपने मनुष्य जीवन को यापन करना है, भगवान से संबंध बनाना है और भगवान की ऐसी ऐसी चरित्रों को सुन करके अपने हृदय में धारण करना है, तो हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा संबंध उनसे होगा, और नहीं तो एक कान से गए दूसरे कान से निकले, कुछ नहीं मिलने वाला। एक बहुत बड़े संत ने कहा है, परसा कीड़ा नीम का परशुराम आचार्य, बहुत सलेमाबाद राजस्थान में उन्होंने बहुत बड़ा आश्रम बनाया, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं वे। परसा कीड़ा नीम का चाखत चाहे खांड, चीनी को कहते हैं ना खांड, तो हम भी वैसे ही हैं, हम संसार के कीड़े हैं, संसार के लोग हैं, लेकिन भगवान को पाना चाहते हैं, परमार्थ को पाने की का प्रयास कर रहे हैं। तो परशुराम आचार्य अपने ऊपर लेकर के, ऐसी थोड़ी कड़ी बात है लेकिन सच्चाई है इसमें, परसा कीड़ा नीम का चाखत चाहे खांड, तन राखे सत्संग में मन में राखे रांड। ये माया हमारे मन में बसी रहती है, ये निकलती नहीं है, हम तन को भी सत्संग में बैठा लेते हैं लेकिन मन से माया की धुलाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कड़ी कड़ी भाषाओं में हम लोगों को झुंझलाने का प्रयास किया है, कैसे वैसे हम लोगों का उद्धार हो जाए। तो इतनी सी बात है, भगवान का सुंदर चरित्र, उनका कृतज्ञ भाव, कृतज्ञ भाव। पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान का उत्सव करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं इस धरातल पृथ्वी पे, जिस समय वो भगवान के उत्सव को रचते हैं और उनमें भाग लेते हैं, उसी क्षण भगवान वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, उन जीवों के सम्मान में एक उत्सव का निर्माण करते हैं। इतना भगवान को प्रेम है कि संसार में रह करके जीव उनके उत्सवों को करता है। तो ये मंदिरों में आना, यहाँ कीर्तन आरती प्रसाद के माध्यम से उत्सव करना, ऐसे सुंदर आयोजन करने जहाँ पर मैं व्यास जी आवें, हमको कथा सुनावें, बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ हम लोगों को ये कथा, अब दो दिन और बाकी रह गए हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इस कथा, ये पीने की चीज वस्तु है, कथा को पीजिए। जिस तरह से हम गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो गंगा जी का घाट वही होता है और गंगा जी भी वही होती हैं, लेकिन पानी वही नहीं होता है। जिस पानी में हमने स्नान किया था वो पानी तो बह गया, दूसरा पानी, दूसरे दिन दूसरा पानी है। उसी तरीके से ये मंदिर भी वही है, कथा व्यास भी वही हैं, कथाएं भी वही हैं, लेकिन भावनाएं अलग अलग हैं, भावना नित्य नहीं है। इसलिए उसी कथाओं में भावनाओं का आस्वादन हमें करना है, उन भावनाओं की पुष्टि के लिए हमें कथा सुननी है।
तो कथा का महत्व है, और सिर्फ यही कहें गंगा जी तो स्नान कर लिया हमने, नहीं किया, पानी अलग अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज की संख्या ज़्यादा बढ़ी है, कल फोन घुमाइए, लोगों को बुलाइए, कथा सुनने से ज़्यादा महत्व कथा सुनाने वाले को है, इसलिए सबको प्रयास कीजिए कि हाँ आवें। हम लोगों के घरों में बर्थडे पार्टी होती है, हमारे घर में शादी विवाह उत्सव होते हैं, तो ज़ोर ज़बरदस्ती से हम अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को बुलाते हैं, उसी तरह से उनके कल्याण के लिए भी उनको आप जोर करके बुलाइए, और देखिएगा कथा के बाद वो आपको हाथ जोड़ करके धन्यवाद देंगे। इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी आपको। हम तो यहाँ आए, बहुत ही आनंद मिल रहा है आपकी कथा में, तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, सिद्धांत सुनने को मिल रहे हैं, और आपके गायन में कीर्तन में बहुत ही ज़्यादा आनंद है, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे। साथ ही साथ ये जो 5 दिन से हम भागवत कथा का लाभ ले रहे हैं, जिन्होंने तन मन और धन से इस कथा में अपना सहयोग दिया है, वैसे कथा के मुख्य यजमान नवीन भाई परिख और उनके पूरे परिवार का हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। कथा के शेष 2 दिन बाकी हैं, रविवार के दिन जिनको भी माला चाहिए हम व्यास मंच से प्रदान करेंगे, और इन शेष 2 दिन में ये कथा जो आप सुन रहे हैं, कथा के प्रति जो आपका अनुमोदन है, जो आपका भाव है, जैसे प्रभु जी व्यक्त कर रहे हैं, वैसे आपको भी यहाँ पर 2-3 मिनट अपने भाव व्यक्त करने के लिए समय दिया जाएगा। आप अपना लिस्ट हमारे मधुसूदन प्रभु जो खड़े हैं उनका उनको दे सकते हैं, अपना नाम, कुछ आप अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं, अनुमोदन प्रकट करना चाहते हैं, तो कल और परसों बीच बीच में 10-15 मिनट हम निकालेंगे, और 2 दिन बाकी हैं तो लाभ ले लीजिए। हरे कृष्णा। आज थोड़ी सी देरी हो गई है, हम केवल 2-3 मिनट में आरती करके प्रस्थान करेंगे। पीछे खड़े रहिएगा। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्पफल, शुक मुख विगलित निगम कल्पफल, परमानंद सुधारस मय कल, परमानंद सुधार समय फल, लीलारती रस रस निदान की, लीलारती रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण के, कलिमल मतनि त्रिताप निवारिणे, कलिमल मतनि त्रिताप निवारिणे, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे, जन्म मृत्युमय भय भव हारिणे,
सतत सकल सुख कारिणे सेवत सतत सकल सुख कारिणे सुमहो शति हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विकाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजानकी कथा अंकिचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय कीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।